क्या आप देखना चाहेंगे कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा पहला घंटा कैसे गुजरता है? रहिए मेरे साथ। Believe in yourself. Assalamu alaikum and hello everyone. This is Ghazal Siddiq and welcome to my channel. मैंने पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, स्पेशली जो हेल्दी तरीके से मैं लाइफ को गुजारती हूं और किस ऑर्गेनाइज तरीके से मैं सारी चीज़ें कर रही होती हूं कि मैं स्ट्रेस से बची रहूं और कुछ हेल्प नहीं होती है, सब कुछ खुद करना होता है। तो थोड़ा सा ये थोड़ी सी टेक्निक होती है और कुछ नहीं होता, सब कुछ हो जाता है। तो आज आई एम सो एक्साइटेड कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी मॉर्निंग। मैं सुबह जब उठती हूँ तो वो पहला घंटा मैं क्या करती हूँ, कैसे गुजारती हूँ, जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, अपनी फैमिली को मैं बहुत क्वालिटी टाइम दे सकती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजारती हूँ, सोशलाइजिंग करती हूँ, अपना काम भी करती हूँ, पूरे घर के काम करती हूँ, कैसे मुमकिन है? तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि जो पहला घंटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई एम श्योर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता होगा और उस पहले घंटे में तो बहुत ही भागा दौड़ी होती है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के किस तरह से दिन को ऑर्गेनाइज करें तो बहुत अच्छा गुजरेगा दिन। और क्या कुछ करती हूँ मैं सुबह सुबह जब उठती हूँ तो आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, उसे शेयर कीजिएगा और इस पर कमेंट कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़े की वीडियोज़ बना रही हूँ, तो उनमें से कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और साथ साथ गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर कर रही होती हूँ, अपना प्रोमो जो आने वाली वीडियो है उसका प्रोमो शेयर करूँगी मैं, कुछ आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे, कुछ इंटरेक्शन में रहेंगे, क्या कुछ करना चाहिए, किन टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आपके साथ मिलकर मैं काम करूँ, तो गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर ज़रूर मुझे फॉलो कीजिएगा। और अब जल्दी जल्दी आपको दिखाती हूँ कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो वो पहला घंटा मैं क्या कुछ करती हूँ। कीप वॉचिंग। कोशिश करती हूँ कि सुबह सवेरे उठूँ 7 बजे तकरीबन, लेकिन डिपेंड करता है कि रात को कितने बजे सोई हूँ। लेकिन उठते ही सबसे पहले कर्टन्स हटाती हूँ, बाहर की रोशनी अंदर आए और सनलाइट अंदर आए और बाहर नेचर को एडमायर करती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि एक और सुबह मुझे मिल गई जीने के लिए। और उसके बाद जो सबसे पहला काम होता है वो ये कि मैं अपना बेड ठीक करती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है हर वक्त मेरे रूम में साफ़ सुथरा बेड हो, और बड़ी अच्छी फीलिंग आती है मुझे, बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है अगर सफाई होती है, साफ़ सुथरा बेड बना हुआ हो, कमरा साफ़ हो। उसके बाद जो ज़रूरी काम होते हैं सुबह के, टीथ ब्रश करना, फेस वॉश करना, वो सारे काम साथ साथ हो रहे होते हैं। और ठंडे ठंडे पानी से मुंह धोना बड़ा मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और टॉवल मैं यूज़ नहीं करती हूँ, फेस को ड्राई करने के लिए नैपकिन्स यूज़ करती हूँ, जिससे एक्नी और इन्फेक्शन का ख़तरा ज़रा कम होता है। उसके बाद मैं सनस्क्रीन अपने हाथों पर, अपनी आर्म्स पर, अपने फेस पर एज अ मॉइस्चराइज़र मैं ज़रूर लगाती हूँ सुबह, कि जो जो एरियाज सन में एक्सपोज हो रहे होते हैं उस पर मैं सनस्क्रीन ज़रूर लगाऊँ। फिर जब मैं अपने किचन में जाती हूँ तो सेंटेड कैंडल्स जलाती हूँ, थोड़ा सा म्यूज़िक लगा लेती हूँ, हल्का सा एक सुबह का मूड बन जाता है। और उसके बाद जो पहला काम मेरा होता है वो ये कि मैं पानी जो है थोड़ा सा हल्का सा पानी को वार्म करती हूँ, थोड़ा सा पीने जैसा हो, मीन्स कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, और उसमें मैं एक लीमू निचोड़ के पीती हूँ। एम्प्टी स्टमक पे मैं लेमन वाटर पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं। लेमन जो है इट्स अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी तो है ही, लेकिन इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है इससे, इसमें डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, वेट कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है, हमें शुगर की क्रेविंग नहीं होती, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। उसके बाद पूरा घंटा, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हूँ इसलिए मैं सिर्फ लिक्विड्स लेती हूँ, और हर रोज़ डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के कॉम्बिनेशन से मैं फ्रूट जूस लेती हूँ सुबह में फ्रेश, जिसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि एक तो बॉडी सुबह सुबह बड़ी रिसेप्टिव होती है, और ये जो जूसेस होते हैं उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं जो हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, हमारे नेल्स के लिए स्पेशली, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होते हैं। और साथ साथ ये होता है कि हमें एलर्जी से बचाते हैं ये, और जो बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं उनको नेचुरली फ्लश आउट करते हैं, वेट को कंट्रोल करते हैं, और बहुत सारे जो है इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं। ये कलर्स देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट करें। और उसके बाद मैं न्यूज़ देख लेती हूँ, थोड़ा बहुत पता चलता है दुनिया में क्या हो रहा है, इन टच में रहना बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों से। और फिर मेरा बहुत प्रोडक्टिव टाइम गुजरता है अपने लैपटॉप पर, जब मैं ईमेल्स चेक कर रही होती हूँ, मैं पूरे दिन को चॉकआउट करती हूँ, टू डू लिस्ट बनाती हूँ,
किस चीज़ को कितना टाइम देना है, कौन सी अपॉइंटमेंट्स हैं, आपके इंस्टाग्राम के, आपके फेसबुक के मैसेजेस के जवाब दे रही होती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके मैसेजेस पढ़ के, और ये पूरे 15 मिनट होते हैं जिसमें मैं पूरे दिन को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। उसके बाद क्योंकि मुझे अपना वर्कआउट करना होता है, तो बस अब उसी की तैयारी है। ओके जी, तो अब मुझे अपने वर्कआउट के लिए जाना है, और जब मैं वर्कआउट से वापस आऊँगी तो फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और आप अगर चाह रहे हैं कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ कि मैं क्या ब्रेकफास्ट करती हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय द वे, मैं कोई क्रश डाइटिंग वगैरह मेरा कुछ ऐसा चक्कर नहीं है, सब कुछ खाती हूँ मैं और हर चीज़ इन्जॉय करती हूँ। मैं आपको बताऊँगी किस तरह से अपने वेट को मेनटेन किया जाता है आहिस्ता आहिस्ता। अगर लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपना ब्रेकफास्ट आपके साथ शेयर करूँ, तो मुझे ज़रूर कॉमेंट्स के ज़रिए बताइएगा। और आपने देखा कि थोड़ा सा अगर आप मॉर्निंग्स पर अपना फोकस करते हैं, 15 मिनट सिर्फ आप पूरे दिन को ऑर्गेनाइज कर लें कि आपको क्या क्या काम करने हैं, किस तरह से करने हैं, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका आपके पास बहुत सारा टाइम मिल जाता है, आपको अपने लिए, सबके लिए टाइम मिलता है। आई नो कि सुबह सुबह बहुत भागा दौड़ी होती है, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड जब ऑफिस जा रहे होते हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन ये कि उसके बाद थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने दिन को अगर ऑर्गेनाइज कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एक चेंज आता रहेगा। और आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए। लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए उसका। और गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल पर इंस्टाग्राम पर मेरे साथ रहिएगा, ताकि आपको ये भी पता चल सके कि मैं आने वाली वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर बना रही हूँ। नॉर्मली मैं वहाँ शेयर करती हूँ थोड़े से उसके क्लिप्स या कोई प्रोमो या कुछ इन्फॉर्मेशन। अपने ऊपर यकीन रखें, अपने अंदर एक भरोसा रखें, सब कुछ मुमकिन है। बिलीव इन योर सेल्फ। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किस नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस पर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए जो राउंड सर्कल में मेरा फेस नजर आ रहा है, इसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और अब देखिए मेरी प्रीवियस वीडियो, जिसमें मैंने वो वजह बताई कि मैं मीडिया से इतना दूर क्यों रही।